आएगा द एरिया बाउंडेड बाई एन आर्क फॉर्म बाई वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स, या तो साइन के एक्स आएगा या फिर वाई इज इक्वल टू कोस के एक्स। तो कोई भी क्वेश्चन या तो अकेला साइन आए या अकेला कोस आए, यहां पर के क्या दे रखा है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा एरिया क्या आएगा, ये एरिया आएगा टू बाई के। क्या एरिया आएगा ऐसे क्वेश्चंस का, एरिया टू बाई के होगा। जैसे मैं आपको यहां से देखूं, आपको पूछे क्वेश्चन नंबर इसका है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू क्या जाए साइन एक्स आ जाए, या फिर यहां जाए और या y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स आ जाए। k की वैल्यू 1 लेते हैं मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे करोगे, देखो 1 आर्क का एरिया है, 1 आर्क इट मींस देखो आप ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो यहां से इसका ग्राफ क्या आएगा, साइन का आपको पता है 1 आर्क ऐसे होती है साइन की। तो जो ये एरिया आपको बताना है इसका 1 आर्क का एरिया बताना, अगर इसकी बात करें साइन का ग्राफ है, अगर हम कोस की बात करें, देखो वैसे ग्राफ तो ऐसे इस प्रकार बनता, आप सबको पता है इस टाइप से ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फिर इधर इस तरफ जाएगा, ऐसे बनता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स का ग्राफ है। आपको पता है कोस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होते हुए जाता है इस टाइप से, इक्वल रहेंगी ये यहां से इस प्रकार से। तो आपको सीधा सी पता है a की r क्या, तो ये सिर्फ sin x हो गया, ये cos x हो गया, complete cos x का ग्राफ है, बट हम जो इसमें सिर्फ एक आर्क का बता रहे हैं तो इसका ग्राफ। तो एरिया यहां से आप लोग क्या देखोगे कि k कंपेयर करो तो k इज इक्वल टू 1 है, कोफिशियंट ऑफ x यहां भी x का 1 है, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या आएगा 2 बाई k, दैट इज 2 बाई 1 2 स्क्वायर यूनिट, 2 आंसर आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन का। अगर आपके पास यहां पे हो sin 2x या फिर cos 2x हो, अकेला कोई भी आ सकता है, आप ये देखो यहां से कोई जरूरी नहीं है आप cos लो, अकेला यहां से ये भी आ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ sin 2x का एरिया। तो आपको पता है एरिया के अंदर यहां से बात करें तो k की वैल्यू यहां से क्या है 2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा 2 by k to 1 square unit, ये इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, सिमिलरली cos 2x का एरिया पूछे तो भी वही आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द एरिया ऑफ cos 3x, cos 3x का एरिया पूछे, तो देखो बच्चों अगर cos 3x का एरिया पूछे तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि k की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो इससे, तो यहां से k कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। तो अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है 2 बाई के, शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताई है 2 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चन जो साइन और कोस से रिलेटेड आए उसका आप एरिया निकाल सकते हो।